ही नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे चैनल में टेक्नोलॉजी टेक पे। मैं हूं सिद्धार्थ आगे और एक नया वीडियो लेकर के। आज का वीडियो का जो टॉपिक है, आज हम बताने वाले पोको C3 का एक न्यू अनबॉक्सिंग। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि फ़ोन का अनबॉक्सिंग मतलब के बजट वाला प्राइस सेगमेंट में कौन सा फ़ोन बेहतर है, सो मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहिए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट में देखना, क्योंकि इस फ़ोन में एक ख़राब चीज़ है जो मुझे अनबॉक्सिंग के टाइम मिला, ठीक है। सो वही सिर्फ दिखाना है लास्ट में, ओके, बट वो हट जाएगा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। बट लास्ट में एक प्रॉब्लम है जो इस फ़ोन में था, वो सॉल्व हो गया एक अपडेट के माध्यम से, ओके। तो शुरू करते हैं आज की कारवा। अभी आप लोग सबसे पहले यहाँ पर जो बक्सा देख रहे हो, ये जो बॉक्स है वो बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग किया गया है। मैं मेरा अच्छा सा धार वाला जो कैंची है उसको ले आया हूँ। फटाफट से हम लोग इसको कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। हम लोग अपना कैंची जो है उसको साइड करते हुए हमारा जो कैंची इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर निकला है हमारा फोन और अंदर एक बिल जो मेरा नाम की तरफ से। तो अभी इसको हम लोग निकाल लेते हैं। वाह, निकल गया है। यहाँ पर क्या क्या लिखा है एक बार चेक कर लेते हैं। कैमरे को कर लो फोकस। पोको C3 बोल रहा हूँ। मीडियाटेक हेलियो G35 प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा, 5000 mAh का बैटरी और HD+20:9 का डिस्प्ले। और क्या क्या लिखा गया है, ज्ञान का भंडार है पीछे की तरफ से। डुअल वोल्टी डुअल वो वाईफाई सपोर्ट करता रहता है। एंड यहाँ पर है हमारा मेड इन इंडिया का लोगो और ये वेरियंट है लाइम ग्रीन, 3GB 32GB। और सामने में आप लोग देख ही सकते हो पोको C3 नाम का हिसाब से है। तो फटाफट से हम लोग इसको कट कर लेते हैं। सो अभी आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर पोको C3 निकल रहा है। बॉक्स को साइड करते हुए यहाँ पर जो पोको है, वाओ बहुत बढ़िया। फटाफट से हम लोग फोन को निकालते हुए फोन को साइड में रखते हुए एक बार चेक कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट में हम लोगों को क्या मिल जाता है। बॉक्स में हम लोगों को ये सिम इजेक्टर टूल और यहाँ पर पोको का एक ज्ञान का भंडार है जो किसी भी काम का नहीं आता, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, जो ज्ञान का भंडार पढ़ेगा। सो साइड करते हुए यहाँ पर है एक आई थिंक ये 10 वाट का एक चार्जर है। हाँ, ये 10 वाट का चार्जर दिया है पोको ने। और हम लोग एक बार USB चेक करेंगे। ये एक डिसअपॉइंट मैं बोलूँगा, मतलब कि डिसअपॉइंट नहीं, इस प्राइस हिसाब से अभी 2020 में सभी मोबाइल आ रहा है टाइप सी पोर्ट के साथ, ठीक है। बट ये माइक्रो USB है, ये थोड़ा सा एक डाउनग्रेड बोलूँगा, मतलब कि पोको C2 कब लॉन्च हुआ वो पोको वाले ही जाने। सो फटाफट से हम लोग इसको साइड करते हुए फटाफट से हम लोग पोको को निकाल लेते। अच्छा भाई, फ़ोन तो बहुत भारी है, बहुत भारी किस्म का फ़ोन है। आप लोग देख ही सकते हो पीछे की तरफ से ये जो बॉडी है ये एक प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट बैक है। बट आप लोग जब यूज़ करेंगे वो समझ में नहीं आएगा। एक बार थोड़ा सा हम लोग पोको को, ये जो पोको का ब्रांडिंग है इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। फटाफट से हम बूट होने देते हैं फ़ोन को। एक वाइब्रेट हो गया, पोको पावर्ड बाई एंड्रॉयड। पीछे की तरफ से आप लोगों को देख ही सकते हो, कैमरे को कर लो फोकस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पीछे की तरफ से पोको का लोगो और है थ्री कैमरास, मतलब कि एक है 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसके बाद है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट कैमरा। इतना ज़्यादा कैमरा आजकल में मिलता है, क्या बोलो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ब्रांड का मॉडल, पोको का लोगो और एक LED फ्लैश। यहाँ पर एक मैट कलर का फिनिशिंग दिया गया है प्लास्टिक बॉडी में ही, ओके। तो अभी फटाफट से हम लोग सेटअप करने के बाद बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है कि पोको C3 के अंदर MIUI 12 ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, ओके। सो फटाफट से हम लोग सेटअप कर लेते हैं।
सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो ये सेटअप हो रहा है, ठीक है। जब तक मैं सेटअप होता है हम लोग थोड़ा सा फिजिकल ओवरव्यू में बात करेंगे। यहाँ पर जो पीछे का जो टेक्सचर है वो है मैट फिनिश में, थोड़ा सा कैसा पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। और साइड में आप लोग देख सकते हो कैमरे को फोकस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन वाला, और एक है पावर बटन। वॉल्यूम रॉकर का जो प्लेस है वो बहुत बढ़िया किस्म का है, ठीक है। प्लेस एकदम अच्छे से किया गया है जिसमें आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो एक स्पीकर ग्रिल, और यहाँ पर कैमरे को हो गया फोकस, यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर माइक्रो यूएसबी एक पोर्ट और माइक है। और ऊपर की तरफ हमारा प्यारा सा दुलारा सा नन्ना सा 3.5 mm जैक जो आजकल किसी भी फोन में नहीं आ रहा। ओके, सो अभी मेरा फोन सेटअप हो चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो। इसको थोड़ा सा साइड में करते हुए थोड़ा सा हम लोग ब्राइटनेस को फुल कर देते हैं। एक बार हम लोग अबाउट सेक्शन में चेक करेंगे हमारे फोन के अंदर क्या क्या है, थोड़ा सा ब्राइटनेस को लो कर लेते हैं। ये पोको X3 MIUI 12 ग्लोबल चल रहा है, ओके 12.0.1 चल रहा है, बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 के साथ आता है फोन आउट ऑफ द बॉक्स। अगर एंड्रॉयड 11 मिल जाता तो मजा ही आ जाता। तो यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी लेवल है 1A 2020 का सिक्योरिटी पैच लेवल है। एक बार ऑल स्पेक्स में चेक करेंगे। यहाँ पर MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर है जो इसको अच्छे से पावर दे देगा। G35 मतलब कि G सीरीज का प्रोसेसर बहुत बढ़िया होता है। सो एक बार हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई अपडेट्स का मामला में कुछ अपडेट्स वगैरह वगैरह आया है या नहीं। एक बार MIUI वर्जन के अंदर टैप करेंगे MIUI 12.0। हाँ, यहाँ पर ऑलरेडी एक अपडेटेड दिया गया है। सो फटाफट से हम लोग इस अपडेट को कर लेते हैं। कहाँ से आ गए ये जिल्ली विल्ली जिल्ली। यहाँ पर आप लोगों को ब्लोट वेयर्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो ये जो गेम्स है इसको हम लोग रिमूव कर दे रहे, आप लोगों को भी मिलेगा। आप लोग भी प्लीज़ रिमूव कर देना, कोई ज़रूरत नहीं ये सब घटिया ऐप्स को, ओके। एंड अगर आप लोगों को ये ऐप्स नहीं चाहिए तो आप लोग अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, ओके। तो इससे बेहतर है मतलब के Xiaomi से अच्छे जो Redmi के फोन आते हैं, Redmi के फोन में इतना एड्स आता है मुझे एकदम पसंद नहीं है, वो यूजर एक्सपीरियंस एकदम खराब कर देता है। तो एक बार थोड़ा सा मैं एक जेस्चर कर लेता हूँ। वाव, जेस्चर में भी बढ़िया चल रहा है। और यहाँ पर जो लॉन्चर चल रहा है वो है पोको लॉन्चर। एक बार हम लोग सेटिंग में चेक करेंगे। हाँ, यहाँ से आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो, आइकॉन साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर तो ड्रॉअर के साथ भी आप यूज कर सकते हो। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। वाह, बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है हमारा। एंड यहाँ पर पूरा पोको का मतलब कि यूआई दिया गया है, क्लीनर एप्लीकेशन दिया गया है। बट क्लीनर में यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा क्लीनर चल, देखिए गाइस देख लीजिए आउट ऑफ द बॉक्स फोन आप लोगों को क्लीन मास्टर मिल जाता है। क्या बोलो, फिर से वही झंझट एंड प्रॉब्लम्स। मतलब कितना दिन बाद ये फोन आया, क्लीन मास्टर के साथ ही आया। मतलब कि क्लीन मास्टर लो, उसके बाद अपडेट करो, अगर अपडेट करोगे तो उसके बाद जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, अगर क्लीन यूआई नहीं मिलेगा। क्या बोलूं, 253 का तो एक अपडेट दिया गया है, 235 MB का। सो अपडेट तो हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। एक बार अबाउट फोन में एक बार अपडेट को इंस्टॉल कर लेते हैं एंड चेक करते हैं क्लीन मास्टर का डेफिनेशन जाता है या नहीं। तो गाइज अभी हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट से, फेस अनलॉक को थोड़ा सा दे देता हूँ, कैच नहीं कर पा रहा। अपडेट होने के बाद हम लोग थोड़ा सा सिक्योरिटी ऐप में जाएंगे, जाने के बाद क्लीनर ऐप में जाएंगे, क्लीनर ऐप में जाने के बाद इसके ऊपर क्लियर करेंगे। यहाँ पर तो कोई भी नहीं मिलता, तब मिल रहा था मुझे, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं मिल रहा क्लीनर में, आप लोग अभी जब क्लीनर में जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। लगता है वो अपडेट इम्पॉर्टेंट एक अपडेट था, क्योंकि एक बार सिक्योरिटी स्कैन में हम लोग चेक कर लेते हैं इसको अपडेट करने के बाद।
यहाँ पर एवर्स्ट और एवियल का सिक्योरिटी मतलब कि सिक्योरिटी मिल जाता है। मतलब ये अपडेट अगर कि पोको C3 खरीद रहे हो फटाफट से आपको अपडेट करना है, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। इसको अपडेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ोगे, क्योंकि ये एक बैंड एप्लीकेशन वो भी चाइना का, ओके। सो इसी वजह से आप लोगों को सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग के अंदर जाके अपडेट फटाफट से कर लेना। यही था पोको C3 का अनबॉक्सिंग, ओके, एंड थोड़ा सा कैमरा सैंपल्स आप लोग देख लीजिए फटाफट से, ओके।